हेलो गाइस, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं जा रहा हूँ रॉक लो, एक अलग सी नया सफ़र है। तो गाइस, होप यू विल एंजॉय। सो राइट नाउ आई एम इन पोलैंड। तो गाइस, पोजनान से रॉक लो का डिस्टेंस है 182 किलोमीटर। अगर आप ट्रेन से जाएंगे तो आप विद इन 2 घंटे में आप पहुँच जाएंगे। आपके पास ऑप्शन है, आप एक तो ट्रेन में भी जा सकते हैं और एक फ्लिक्स बस में जा सकते हैं। फ्लिक्स बस थोड़ा सस्ता है। अगर आप ट्रेन में जाएंगे तो आपको अराउंड 40 to 50 ज़लोटी आपका ये एक्सपेंस आएगा, और अगर आप फ्लिक्स बस में जाएंगे तो आपको अराउंड 30 ज़लोटी का एक्सपेंसेस आता है। और आप टैक्सी में भी लेके जा सकते हैं, मगर टैक्सी का अलग से फेयर रहता है, वो थोड़ा ज़्यादा रहता है। और यहाँ पे पोलैंड में जहाँ पे भी कोई भी टाउन में कोई भी सिटी में हो तो ग्लूनी बोलने से एक मेन स्टेशन होता है जहाँ पे ट्रेन का स्टेशन भी रहता है और साथों साथ में फ्लिक्स बस का भी स्टेशन रहता है। तो ये जो ट्रेन हम जो सफ़र कर रहे हैं वो एक IC स्पेशल ट्रेन है। यहाँ पे 2 ट्रेन है, एक IC स्पेशल है और एक नॉर्मल है। नॉर्मल में वही आपको आधा घंटे और 1.25 घंटे का डिफरेंस रहता है। तो इस ट्रेन का टिकट आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं और आप काउंटर में भी ले सकते हैं। ये कोच नंबर 12 है और ट्रेन नंबर आप लोग दिख रहे हैं। सो गाइज, इट्स टाइम टू थैंक्स एंड सेलिब्रेट। मैं आप लोग की वजह से 1000 सब्सक्राइबर पहुंच गए। तो यस, आई एम नाउ 1K सब्सक्राइबर। तो मेरे को और भी प्यार चाहिए आपको, मैं शुक्रगुजार हूँ। तो मेरे को सपोर्ट करते रहे और मैं आप सपोर्ट करेंगे तो हम इनकरेजमेंट हो जाएंगे और मैं अच्छे अच्छे ब्लॉग्स लेके आऊँगा और आप लोगों को इंटरटेन करता रहूँगा। इट्स पोलैंड IC ट्रेन एंड द नेम ऑफ द सिटी इज रॉक लो, विच इज इन पोलैंड। सो हियर वी गो गाइस, कम ऑन, लेट्स गो, लेट्स एक्सप्लोर रॉक लो। एंड गाइस, डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड कीप वॉचिंग दोजी ट्रैवलर। तो गाइस, हियर वी गो, सफर अनजाना, रॉक लो। Do you mind if you come in my camera, in my vlog? No problem. No problem. I forgot your name. Sorry. Adam. Adam, okay. So, here is Adam. He is from Poland, Broglo. And he's going back to home, right? Yeah. And he knows few Indians. Adam, just wait. So is the way to go outside? Yeah. Okay, okay. Adam is here, Adam is here. Adam, what are those ones you have? When you want to take a bus or tram, or even taxi to the Little China, you need to go this way, Little India, not China. Sorry. We have many shops like Little China too, yeah? Yeah. So that's it. It's in Poznan also. Yeah. So from here, you can take everything to the center. Okay. So just use your jak dojadę. Yeah. It was really nice to see you. Even you also. Maybe we'll keep in touch, okay? Yeah, of course. I have you in Insta also. And Facebook, we are friends. Okay. Okay, thank you, Adam. Bye.
यहाँ पे एडम मिल गया था, बहुत अच्छा है। ये पोलिश लड़का है, इधर का रॉक लो का है। ये रॉक लो का हम लोग इंग्लिश में बोल रहे हैं, ये प्रोनाउंसिएशन अलग से होता है। तो अब हम पहुँच गए गाइस, ये देख लीजिए रॉक लो नया सिटी। और मैं हूँ मनीष और यू आर वॉचिंग रोजी ट्रैवलर। ये देख लीजिए इधर का नज़ारा। तो यहाँ से शायद अभी बसेस मिलेंगे हमको। यस अभी को बहुत ठंडा है। टैक्सी टैक्सी में नहीं जाना है। मैंने अब कॉफ़ी और वो क्रोसेंट लिया था, वो 16 ज़ोलो ठीक है। हाँ वो नॉर्मली हिसाब से महंगे है। अब ट्रेन में है क्या करें, वो इधर में भी वही वही एयरपोर्ट ट्रेन के अंदर थोड़ा महंगा रहता है। ये देख लीजिए टैक्सी, यह मैं ठंडा है। अब देख आप, आपको देख सकते हैं, लोग देख के मालूम हो सकता है। पूरा जैकेट वैकेट पहन के पूरा चल रहा है। ये टैक्सी वगैरह भी है, टैक्सी में तो नहीं जाएंगे, ट्राम इनफ है। फ़ोन कर रहे हैं, वो तो बोला है स्टेशन कौन सा साइड में जाएंगे, हैव टू चेक। मेन स्टेशन तो उधर ही जैसा लग रहा है, देखिए ट्राम का रास्ता उधर है। स्टॉपेज किधर है देखेंगे, इधर से तो नहीं है शायद। साइकिलिंग पॉइंट है ओके। सो गाइस, तो मैं अब मैं देख लूँ यहाँ पे मोबाइल ऐप्स पे, क्योंकि मैं मोबाइल से शूट कर रहा हूँ। तो आई विल चेक माई मोबाइल्स वेयर टू गो, हाउ टू गो। सो वंस आई एम इन द ट्रैम और बस विल कीप इन टच। ओके सो कीप वॉचिंग रोज ट्रैवलर, आई एम इन रॉक लो कोला। तो गाइस अब जा रहे हैं, मैप में देख लिया मैंने, मैप में ये गूगल मैप्स भी बता देते हैं। और यहाँ पे जागदो जावा बोल के एक ऐप्स है, मोबाइल ऐप्स, वो ट्रांसपोर्टेशन ऐप इधर का लोकल ट्रांसपोर्टेशन, वो ऐप्स भी बताते हैं बताता है तो किस में जाने का। तो मैंने देख लिया, ये है वॉर्सा का ग्लूनी मेन स्टेशन। और यहाँ पोलैंड में एक बात, एक खासियत, एक बहुत बहुत ही अच्छा बात है, क्या होता है कि जहाँ पे ऐसा ट्रेन स्टेशन होता है, मेजर ट्रेन स्टेशन, वहाँ के पास में बस स्टेशन भी होता है, बस स्टॉप। यहाँ पे हर एक जगह जहाँ जहाँ ट्रेन जाता है वहाँ पे भी वो भी जाता है, बस भी जाता है। तो इट डिपेंड्स आपको कौन सा कम्फर्टेबल, कौन सा बस का रूट अलग से होता है, ट्रेन का डेस्टिनेशन एक ही होता है, वह रूट अलग से होता है। तो उस हिसाब से आप यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन ले सकते हैं। और ये देख लीजिए वॉर्सा का कुछ नज़रिया, बिल्डिंग्स, ये गूगल मैप में देखा था मैंने इसका, ये शायद इंस्ट्रक्चर एड्रेस, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर, नाइस। तो गाइस ये जो है सो है, ये स्टेशन है नेशनल फ्लैग पोलैंड का। यहाँ पे कुछ हिस्ट्री है, हिस्ट्री है कुछ दो ब्रेक बताए, इसके पीछे भी कोई कहानी होगा। बस यहाँ पे अगर लंबे दिन से यहाँ पे रुकेंगे तो यहाँ पे आगे कुछ देखना पड़ेगा। ये छोटे छोटे स्टॉल है, ओ आगे ट्रेन, वो ट्राम है, इधर का ट्राम का कलर दूसरा है, वो शायद वो वाला जाएगा क्या, वो दो नंबर दिखा रहा था उसी में जाएंगे। ओ टावर, वो एडम का घर उसी, वो टावर के उधर में है बोल रहा था मेरे को, टावर के उस पास में। हमारा भाई लोग भी दिखाई दे रहे हैं, इंडियन भाई लोग, वो मेरे भाई बीडू लोग दिखाई दे रहे हैं, बीडू लोग। इधर का ट्राम अलग से होता है, नंबर 18 जा रहा है, जाएंगे वेट करेंगे अभी यहाँ पे। वो है वो ट्राम वहाँ पे, दो नंबर पाँच नंबर लगा हुआ है, अभी पता नहीं इस तरफ से ना उस तरफ से जाएंगे। बहुत ठंडा है गाइस, बहुत ही ठंडा है। लेट्स गो, सिग्नल हो गया। राहुल जी बड़ा हो गया क्या, बड़ा ये जाएगा तो नंबर, इसको पिक पिक हो गया, पिक पिक
इधर से जाएंगे तो बस बनना पड़ेगा सर मेरे हिसाब से। ये दो नंबर ही जाएगा मेरा लिटिल इंडिया का दुकान। हम ठंडा रहा चीज़ सर, अभी और भी ठंडा है जैसा लग रहा है, सीजन होने वाला है। लेट्स गो की दिल्ली, अभी बस दो नंबर में जाएंगे सर। स्टेशन तो यहाँ पे अपडेट दे रहे हैं, दो नंबर में जाएंगे 19 मिनट्स देखेंगे कत्रो लम्बू हो गया है यहाँ पर कत्रो लम्बू केड़ा रहे सानी केड़ा हो तर अब ओवर रहे। अभी पूरा ठंड नहीं है, मेरा हाथ पूरा ठंड रहा था तो ग्लोव्स पहना हुआ है, तो ठंडी है, बहुत ठंडी है यहाँ पे, और वैसे विंटर तो आने वाला है। यस तो गाइस मेरा मैं उसमें पहुंच चुकी हूं अभी यहां पे मेरा फाइनल डेस्टिनेशन में। इसके लिए मैं आया उसके लिए इधर से थोड़ा वॉक करना है तो पहुंच जाएंगे मेरा लिटिल इंडिया और मेरे ये प्रेशर कुकर का फाइनल डेस्टिनेशन पहुंच गया अभी। लास्ट टाइम कॉल तो किया था, इस बार कॉल नहीं उठाया कल, मगर इन लोग का है लिटिल इंडिया में बहुत सारे ब्रांच है उन लोगों का, तो आई थिंक मिलेगा। ये तो बड़ा शहर भी है, पोस्टन से बड़ा शहर है, जो हम रहते हैं वो छोटा सा शहर है और ये थोड़ा बड़ा शहर है, तो इधर से बस स्ट्रेट जाने का और लेफ्ट रोड के पास में लेफ्ट साइड में। तो गाइस राइट नाउ आई मीन रॉकलो, हाई मैं अभी रॉकलो में हूँ और अपना कुछ काम के वजह से आया हूँ। मिशन प्रेशर कुकर पुलिस वालों को चेस जेन दोपरे और हमारे देशवासियों को सत श्री अकाल नमस्ते। ये तो बहुत ही बड़ा काम है, सीधा सीधा जाना है ग्रीन डे बोल के इतनी बिल्डिंग से पता नहीं है, बैंक जैसे लग रहा था, बैंक इतनी कोई भी बिजनेस टावर हो सफर अनजाना है। ये देख लीजिए इधर से है, इधर में है। हमको लेना है बस एक तो प्रेशर कुकर और उसके बाद छोटा सा टूर और फिर वापस जाना पड़ेगा, ठंड बहुत है यहाँ पे। और मेन सेंटर में जाएंगे, इधर का मेन पॉइंट में जाएंगे, अगर इंडियन रेस्टोरेंट मिलने से कुछ खाएंगे और उसके बाद चले जाएंगे। और शॉप एशिया तो दिखाई दे रहा है इधर से, एक्चुअली यहाँ तक आने के लिए वो भी था, ये ट्राम भी था, थोड़ा लेट था ये,
इसलिए मैं बस में आया, मगर ये हमारे जो मेन स्टोर है वो बीचों बीच है, तो इसलिए मैं वॉक करके आया। नया बिल्डिंग में पेंटिंग्स कर रहा है, ये बहुत सारे पुराना देखे ना यहाँ पे, ब्लैक टॉप तो बीच में थोड़ा सा है और बाकी सब पत्थर। लिटिल इंडिया ये तो है, लिटिल इंडिया पहुँच गया था हम लिटिल इंडिया। हाँ यहाँ पे गाइस पहुँच गया मैं अपना डेस्टिनेशन पर, या मनी ट्रांसफर। इंट्रेंस ये हो कि कता ये होता रहेछ है। हेलो नमस्कार सर, यो प्रेसर कुकर छ है, देखाउनुहोस् न मलाई, यसकै लागि म त आएको, पोजनानबाट आएको, छुट्टी थियो कि, भोलि पनि छुट्टी थियो, अन्त अनलाइन त आउँदो रहेछ, अनलाइन चाहिँ वाट्सएपबाट आउँछ है, यो मेरो भिडियोमा आउँदा केही प्रब्लम छैन होला नि है। यहाँ यहाँभित्र ए भित्र गर्नु मन आइसक, ल ल ओके ल, सुपर मार्केट से निकल रहा हूँ। नहीं होना था, नहीं होना था, हो गया प्यार जैसा। कुकर नहीं मिला इधर, मिला कुकर मगर साइज का नहीं मिला, तो डेढ़ लीटर का कुकर लेके क्या करेंगे, और फिर सात लीटर का कुकर लेके क्या करेंगे, बीच वाला चाहिए। तो अभी क्या करेंगे, खाएंगे, फिरेंगे, घूमेंगे, नाचेंगे और वापस चल जाएंगे। यहाँ पर बहुत ठंड है अभी, तो कोई बात नहीं, वो ऑनलाइन व्हाट्सएप से ऑनलाइन ले सकते हो, कोई बात नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा है, इंडियन रेस्टोरेंट है बोल रहा है, वहाँ पे कुछ खाएंगे और उसके बाद चला जाएंगे, नहीं तो फिर वही ब्रेड व्रेड खा के जाना पड़ेगा, वही तो मिल पाए। सब एशिया, ओ एशिया सब ही यहाँ पे, तो क्या है इसमें, सामान नूडल पान बोतल कुछ देख सकते हैं क्या, चलो देखते हैं। यहाँ पे तो सब बांग्लादेश, ओ अल्ट्रा हलाल, फ्रेश मीट, फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, फ्रेश ऑल काइंड ऑफ एशियन स्पेशल स्वीट्स एंड स्नैक्स, ऑल काइंड ऑफ ग्रोसरी। चलो इसके अंदर देखते, लेट्स गो सिवान, ओके देखते इसके अंदर देखते। ओके तो गाइस यहाँ पे भी ये एशियन स्टोर, हाँ शॉप एशिया का, और यहाँ पे स्पेशली नॉन मुस्लिम बांग्लादेशी भाई आए हो ना, मगर बहुत सारे चीज़ मिलते हैं यहाँ पे, मछली मसाला बहुत अच्छा, ये तो अच्छा है, वर्षा में वर्षा नहीं रॉकलो में बहुत बहुत चीज़ें मिल रही हैं यहाँ पे, अच्छा नहीं मेरे को इधर से तो कुछ बहुत लेना है, मगर मैं आज उतना होके प्रिपेयर होके नहीं आया। मून मून एंड रेस्टोरेंट्स कबाब इधर में कुछ है, देखना पड़ेगा, खाना पड़ेगा। अभी ठंडा ज़्यादा नहीं घूम सकते, समर में शायद घूमेंगे, यहाँ पे वो है क्रॉस नहीं कर सकते, ज़ेब्रा क्रॉसिंग, मर्सिडीज बेंज का कार चला गया। ओ यहाँ पे भी है कुछ, क्या है यहाँ पे भी समाप्त करने पोला, ये तो अलग से है क्या चक, बाहर भी यहाँ पे उस तरफ जाएंगे, हर तरफ तेरा कोई तो कुछ दिखाई दे रहा है, देखेंगे। तेरा जलवा हर तरफ, तेरा जलवा, ना ना उसी तरह कुछ है जैसे दिखाई दे रहा है, इधर से इधर से जाएंगे, इधर से स्टॉपेज है यहाँ पे, स्टॉपेज है जैसा लग रहा है, लाइट्स नहीं यहाँ पे जा सकते हैं। मगर महंगा बहुत है यहाँ पे, बोला चीज़ महंगा महंगा बहुत है। मून कबाब ग्रिल, हाँ यहाँ से कुछ देना पड़ेगा, देखेंगे। ओके ना पूछो, यही लेना पड़ेगा शायद आज, बुल्ला का तो तुल्ला चलो एक बात,
यहाँ पे एक इंडियन रेस्टोरेंट भी है बोल रहे हैं, तो नहीं होने से तो यही लेना पड़ेगा, यही खा के चलना पड़ेगा। ये इधर का पॉलिश लोग मुझे बहुत पसंद करते हैं, ऐसा ओके थोड़ा इधर में है, देखेंगे बोल रहे हैं, देखेंगे इधर से कुछ चावल उवल लेंगे खाएंगे, उसके बाद चला जाएंगे। हमको देख रहा है ये लोग, ये लड़का ऐसा कर रहे बोल, हाँ खुश हो रहे हैं, हमको आधा आधा मतलब बार बार है यहाँ पे क्वालिटी भी है, 50 क्वालिटी बार बार यहाँ के लोग थोड़ा सा ही होता है, हम लोग को जैसे इतना वो नहीं होता है, वो एक्सपोजर नहीं होता जैसे हम लोग इंडियन नेपाली लोग जैसा होता है ना, दूसरे से एक्सपोजर इतना नहीं होता ये लोग कहाँ पे। मैं तो बोल रहा था इधर ही है बोल के, कबाब वबाब खा के इधर से पलटी मारना पड़ेगा था, इधर ही कुछ है बोल रहा स्टोर, पुराना बिल्डिंग है यहाँ पे, नहीं मेरे को देखना पड़ेगा मैप में, देखना पड़ेगा मैप में देखेंगे, अंदर में एक तो दुकान मिल रहा है वहाँ पे जाएंगे, कुछ है वहाँ पे देखेंगे, लेट्स सी देयर इज समथिंग देयर। तो वैसे अभी ये कबाब खा के निकलना पड़ेगा इधर से, तो नया टाउन है तो मेरे पास टाइम भी नहीं है, बाद में आएंगे, फिलहाल वही कबाब वबाब लेके इधर से क्वालिटी मारेंगे, इधर में जाएंगे अंदर में, पुराना ट्राम आ गए हैं, पुराना ट्राम देखेंगे इधर से लेंगे कुछ। तो गाइस जैसे मैं कबाब खा के बाहर निकला तो बाहर का फंडा कुछ अलग से हुआ, तो यहाँ तक मेरा जो एक्सटर्नल माइक था वो काम कर रहा था, तो अब इसके बाद वो काम करना छोड़ गया, वो तो बाद में मालूम पड़ा जब हम शाम को लौटा, तो हम जब रीचेक करते हैं ना वीडियोस कैसा है क्या है, तो पहले तो अच्छा ही हो रहा था, तो ये वहाँ से काम करने छोड़ दिया इसने, तो फिर भी कोई बात नहीं, मैं जिस जिस टॉपिक पर बात कर रहा था, जो जो इन्फॉर्मेशन बता रहा था, तो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, तो एज अ क्या बोल सकते आप प्लेबैक बाद में बोल सकते हैं। तो यहाँ का लोग बहुत पसंद करते, जैसे मैं रोड में ऐसे ब्लॉगिंग करके जा रहा था ना, मतलब ऐसा दिख रहा था, तो या अप्रिशिएट करता है ऐसा करता है, कोई कोई लोग पीछे से इशारा भी करते हैं, इधर का लोग तो शाही शाही होता है, हम लोग तो जैसा उतना वो नहीं हो, मतलब इन लोग जिसके साथ जान पहचान है वो लोग के साथ तो इन लोग फ्रीली वो करते हैं, मगर जिनके साथ नहीं रहते हैं मतलब वो लोग अलग से अपने अपने धुन में रहते हैं, इधर का लोग ही ऐसा होता है, मतलब वो अच्छा भी है, हम लोग नहीं होता क्या दूसरे के पीछे पड़ना ऐसा वगैरह, कोई पीछा कर रहा है ऐसा इस टाइप का कोई नहीं होता है। तो अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तो मेरा मेनली आना था इंडियन सुपरमार्केट और मेरा ब्रेकफास्ट हो गया, तो अब हमको लेना है पानी, तो आगे में जापका है, जापका बोले तो एक ग्रोसरी होता है, मतलब ग्रोसरी छोटा सा ग्रोसरी जहाँ पे हर सामान अवेलेबल रहता है। तो गाइस मैं अभी जा रहा हूँ जापका में, तो जापका एक छोटा सा ग्रोसरी है जहाँ पे मोर और लेस आपको बहुत सारी चीज़ मिलते हैं ग्रोसरी के लिए, मगर भैया बड़े बड़े सुपर मार्केट हैं यहाँ पर, जैसे बेदरों का डीनो लिदल आउचेन कैरीफोर भी है, मगर उसके बीचों बीच में ये क्या होता है, ये जो जाप का जो स्टोर है जो ब्रांड है ये आपका बहुत वॉकिंग डिस्टेंस में मिलते हैं, आपको हर एक वॉकिंग डिस्टेंस हर एक एरिया में मिलते हैं आपको ये, और आपको यहाँ पे लेने के लिए आपको पानी से लेकर अल्कोहल वाइन और खाने पीने का जूस सारे सब कुछ मिलता है यहाँ पे, स्वीट्स स्नैक्स बिस्किट्स फ्रूट्स वेजिटेबल्स भी मिलते हैं, सब कुछ मिलता है स्मोक के लिए, सब कुछ मतलब मिल जाता है। तो और ये क्या रहता है कि बहुत जगह अवेलेबल रहता है, और ये छोटी जगह में कूजी में आपको सब कुछ मिलता है यहाँ पर, ये आप सामने देख सकते हैं ये पानी का एरिया है, मगर यहाँ पे जब आप लेते हैं तो आप बहुत ध्यान, ये नहीं तो आप वो गूगल ट्रांसलेटर करके देख लीजिए, मे बी बहुत बार हमको पानी बोल के हम पानी लिया वादा को पानी बोलते, मगर वादा के साथ वो मतलब विथ क्या बोलते सोडा वाटर होता है ना उस टाइप का भी मिला था हमको, तो हमने तो दो बार तो सोडा पानी पी लिया,
आप लोग मत पी लीजिए ऐसा देख के, नहीं तो पूछ के अब वो गूगल ट्रांसलेटर आप यूज़ कर सकते हैं। ये सब पड़ा है यहाँ पे, वो था वही लिया था, एक ठो लिया था वही वाला, और वही वाला भी नकली तो नहीं मगर वो सोडा वाटर निकला। और ऐसा ड्रिंक्स आपको वहाँ पे मिलता है, ये जो पानी था मैं वादा तो लिखा था मगर वो वादा नहीं था, वादा नहीं किया। तो ऐसे ही छोटे छोटे सेक्शन रहते हैं, ये जो स्नैक्स का सेक्शन है ये वाला, तो आपको ये लेस वगैरह पूरा यहाँ पे मिलता है। ये सामने में देख सकते हैं आप, यहाँ पे वो नूडल्स सेक्शन है ये वाला, नूडल्स सॉफ्ट ड्रिंक्स, और यहाँ पे ऑयल, यहाँ पे वो पिकल्स वगैरह सब है। यहाँ पे ज़्यादातर वही चीज़ वगैरह, चीज़ सैंडविच ब्रेड वो चलता है। और ये तो देख सकते हैं आप अल्कोहल लिकर तो है साथ में, और ये सारे पैक्ड सैंडविच है, जैसे आप ट्रैवलिंग करते हैं तो आप उठा के ले जा सकते हैं। ये वो वगैरह हो गया, आपका बिस्किट्स हो गया, यहाँ पे बिस्किट्स महंगा है, यहाँ पे कॉफ़ी भी महंगा है, और यहाँ पे सैंडविच भी महंगा है क्योंकि यहाँ के रोज बहुत कंज्यूम करते हैं। और यहाँ पे सबसे महंगा है, हमको महंगा लगा वो है पमीदर, पमीदर बोले तो टमाटो, टमाटर यहाँ पे टमाटर बहुत महंगा है। एक केजी चिकन का अराउंड $10 है बोलने से, मतलब ये पमीदर का 1 KG का आपको अराउंड $20 आपको लगता है यहाँ पे। तो ये हो गया छोटा सेक्शन किंडर जॉय वाला बच्चे के लिए। और सामने में ये काउंटर है, कैश काउंटर, तो कैश काउंटर के अगल बगल में जैसे आप दुबई में भी मिल सकते हैं आपको ऐसा, आपको सिगरेट्स नहीं तो कोई भी पैनाडोल मेडिसिन ऐसा ही कुछ, और चॉकलेट वगैरह, तो यहाँ पे ये मिल जाता है। तो यहाँ पे पेमेंट के लिए वही आप कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं और कार्डलेस भी पेमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे एक तो ऐप्स बोलते हैं, ब्लिक बोलते हैं, वो उसमें एक कोड रहता है, 6 कोड, जैसे ओटीपी टाइप है मगर ओटीपी मैसेज नहीं आता है, मगर उसी में वो बैंक का ऐप्स में रहता है। आप ब्लिक से भी आप पेमेंट कर सकते हैं, ब्लिक से आप पेमेंट कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, और एटीएम तो है ही है, और एटीएम भी आप विदाउट पिन भी आप यूज़ कर सकते हैं, जस्ट स्कैन करके आपका पेमेंट कर सकते हैं। तो अभी मेरा कैश काउंटर का टर्न आ गया, तो मैंने ले लिया था स्नीकर्स, एक तो स्नीकर्स, एक तो टिक टैक स्वीट्स, और एक तो पानी लिया था, जो पानी नहीं था वो सोडा था, बाद में हमने पी लिया, क्या करूँ अभी ख़रीदा तो था उसको टेस्ट नहीं कर सकते। तो अब हम निकल रहे इधर से रॉकलो से, तो अब सीधा जाएंगे यहाँ के ग्लूनी में, ग्लूनी बोले तो ट्रेन स्टेशन, और ट्रेन स्टेशन से अब ट्रेन पकड़ लेंगे कोई भी IC ट्रेन लेके, फिर पहुँच जाएंगे बैक टू वर्क पहुँचने। गाइस ये जो रॉकलो शहर है, रॉकलो जो सिटी है, ये पोजन सिटी से बहुत बड़ा सिटी है। और यहाँ पे एक मैंने बोला था पहले की ब्लॉग में, यहाँ पे मैंने हमेशा नोटिस किया है कोई भी सिटी हो, कोई भी ऐसा जगह हो यहाँ पोलैंड पर, ज़्यादातर दिखाई उसके आजू बाजू में कोई ना कोई रिवर रहते हैं, कोई ना कोई नदी रहते हैं। तो यहाँ पे भी एक रिवर है, आप सामने में आपको दिखाएंगे, उसी तरफ जा रहे हैं हम, उसको बोलते हैं ऑर्डर रिवर बोलते हैं, वो बहुत बड़ा है, वो पोजन का वार्ता रिवर से वो बड़ा है। तो ये सीधे सामने बिल्डिंग से जा रहा है, वो सामने में पैसेज है, और वो पैसेज पास थ्रू करके एक तो हाईवे आएगा, हाईवे के बाद फिर एक लंदन ब्रिज जैसा हमको लगा, मतलब लंदन ब्रिज जैसा तो नहीं है, उस टाइप काइंड ऑफ रिप्लिका टाइप, और उसके बगल में इतना अच्छा सुंदर था ये ऑर्डर रिवर, बहुत बड़ा है और देखने के लिए भी बहुत अच्छा है। और फिर आजू बाजू में तो वो यहाँ इधर का यूरोप का लैंडस्केप घर, और वो बहुत ही बढ़िया है। आज का मौसम बहुत ठंड है, यहाँ पे ठंड है, नॉर्मल डे से आज का मौसम ठंड है, तो हमने वो टोपी जुराब पहन के रखा है, और फिर अंदर से थर्मल भी पहना है। तो आज धूप नहीं था आज, तो नॉर्मली एक ठंडे दिन था। और नया सिटी, नया ब्लॉक, होप यू गाइस इन्जॉय। तो गाइस एज यू नो, जैसे आप यूरोप में ट्रैवल करते हैं आप लोग को भी मालूम हो सकता है, यहाँ पे आपको अगर बाहर रहना है तो होटल में रहने की ज़रूरत नहीं है आपको, यहाँ पे हॉस्टल्स भी हैं, आप हॉस्टल में भी रह सकते हैं। जो हॉस्टल का जो आपका रेंटल चार्जेस रहता है, रेंट रूम रेंट का चार्जेस रहता है, वो होटल से बहुत ही अच्छा सस्ता रहता है।
और खाने के पीने के लिए तो ये चापका सुपर मार्केट यहाँ पे है, डीनो सुपर मार्केट है, जहाँ पे आपको सस्ते में कोई ग्रोसरी मिलता है, आप वेजिटेरियन होने से वो भी मिलता है, नॉन वेजिटेरियन होने से, नॉन वेजिटेरियन होने के लिए सब कुछ मिलता है यहाँ पे अवेलेबल, ये यूरोप है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। और वेजिटेरियन के लिए भी बहुत सारे ऑप्शन है, तो यहाँ पे डीनो सुपर मार्केट है, लिदल सुपर मार्केट है, बेदरोंग का सुपर मार्केट है। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, यहाँ पे जैसे आप खाना पीना तो हो गया अभी, अगर आप बीमार पड़ गए, आपको दवाई की ज़रूरत है, तो आपते का बोलते हैं यहाँ पे, आपते का बोलने से फार्मेसी, जैसे हम लोग को फार्मेसी बोलते हैं ना वहाँ पे, तो यहाँ पे आपते का बोलते हैं, तो आपते का में आपको मेडिसिन मिलता है यहाँ पे। तो पोलैंड आने के लिए कुछ पोलैंड का बेसिक लैंग्वेज आप अगर लर्न करके सीख के आता है तो आप फ़ायदे में रहते, बहुत ही फ़ायदे में रहते। यहाँ पे लोग स्पेशली गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून को जीन दोपरे बोलते हैं, जीन दोपरे कहते हैं। अगर आपका कोई दोस्त लोग ऐसा जैसे हाई बोलते हैं, हाई हेलो, हम लोग जैसे नमस्ते बोलते हैं, उसको यहाँ पे चेच बोलते हैं। तो ये सामने पहुँच गए मैं ये ब्रिज की तरफ जो ऑर्डर रिवर है, तो देख लीजिए ये सामने का नज़ारा, ये रॉकलो सिटी है और ये पोलैंड का एक वन ऑफ द बिजेस्ट टाउन भी है। या बहुत ही सुंदर जगह है ये। पोलैंड में हर कोई सिटी में, हर कोई सिटी का अपना अपना कहानी, अपना अपना हिस्ट्री। और हमने क्या नोटिस किया है कि यहाँ पे हर एक जगह में एक सेंट्रम बोल के जगह था, जैसे हमारे इंडिया में वहाँ पे मेल रोड ऐसा बोलते हैं ना, मेल रोड जैसे बोलते हैं, यहाँ पे सेंट्रम बोलता है, वैसा जगह होता है यहाँ पे भी। और जो एक रिनाउंड प्लेस होता है जहाँ पे मीट पॉइंट होता है, वो सेंट्रम हो गया। और दूसरा जो हिस्टोरिकल पॉइंट कोई भी होता है ना ऐसा को राइनिक बोलते हैं यहाँ पे, राइनिक बोलने से वहाँ पे कोई अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री वहाँ का लैंडमार्क्स हाउसिंग बहुत अच्छा वाला, जो यूरोपियन पोलैंड जो स्टाइल का जो हिस्ट्री कल्चर होता है ना उस टाइप का एरिया होता है। तो आपको राइनिक पोजनान में भी मिलेगा, वर्सा रॉकलो ऊच कहीं भी जाएंगे आप मिलेगा, और यहाँ पे रॉकलो में भी है ऐसा। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज़ ऑर्डर रिवर, और मैं उसके ब्रिज के बाजू में पहुँच गए। ये देख लीजिए इधर का नज़रिया, बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बड़ा लगा हमको। ये देख सकते हैं आप, ये सामने वाला रिवर बहुत बड़ा रिवर।
पोलैंड यूरोप का, तो वहाँ पे अब हम जा रहे हैं चलते चलते। तो गाइस, इफ़ यू रियली लाइक माई वीडियोस, डोंट फॉरगेट टू कमेंट, एंड इफ़ यू रियली लाइक मोर, प्लीज़ टू सब्सक्राइब माई चैनल। तो आप लोग को अभी तक का जर्नी कैसा लग रहा है, आपको रॉकलो कैसा लगा, ये पोलैंड का रॉकलो सिटी, हमको कमेंट्स में बता दीजिए आप लोग। तो गाइस अब देख लीजिए, हम यहाँ से राइट जाएंगे, यहाँ पे इतना सुंदर ये गार्डन पार्क रहते हैं। यहाँ पे हमेशा हर एक जगह में एक पार्क रहते, पब्लिक के लिए पार्क रहते। ये बहुत सुंदर नज़रिया है। मैंने एक मोबाइल का एक वॉलपेपर के लिए एक फ़ोटो लिया था, बहुत ही, मेरे को भी नहीं लगा, मैं खुद वो पिक्चर मेरे मोबाइल से उठाया, इतना अच्छा वॉलपेपर था, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर जगह है। Guys, Wroclaw is a city on the Oder River in the western Poland. It's also known for its market square lined with elegant townhouses and featuring a modern fountain. Wroclaw also on the square is the Gothic Old Town Hall with its large astronomical clock, and nearby is the panorama of Wroclawice, a painting depicting the 1794 battle for independence. Hello guys, Wroclaw is also known for its universities. There are over 20 universities in the city and more than 130,000 students live in Wroclaw. Because of this, there are always plenty of things to do in Wroclaw. The city is full of fun and events, and it has many festivals, restaurants, bars and other hidden gems also. So guys, hope you will enjoy my video. If you really like my videos, do comments and subscribe my channels, and if you like more than that, do share with your friends. तो गाइस आप लोग देख सकते हैं, इतना अच्छा अच्छा गार्डन इतना प्लान करके बनाया है यहाँ पे, मैपल ट्रीज, ये सीनरी बहुत अच्छा लगता है आपको ना। तो आप यहाँ पे वॉकिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, आप नॉर्मली आके आपका दिन यहाँ पे बुक्स लेके आराम से बैठ सकते हैं आप यहाँ पे।
बहुत ही अच्छा, ये सारे मैपल ट्रीज हैं यहाँ पे। तो गाइस अब मैं यहाँ पे एक जगह में पहुँच गया, ये मेरा हाफ वे राइने जाने के लिए हाफ वे है और ये एक टू सब वे है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे पेंटिंग्स दिखाई देते हैं आपको। ऐसे पेंटिंग्स यूरोप में खाली पोलैंड में नहीं, बहुत सारे जगह दिखाई देंगे। तो यहाँ पे क्या है कि यूरोप में आर्टिस्ट लोग को बहुत सपोर्ट करता है, यहाँ पे आर्टिस्ट लोग को बहुत सपोर्ट करता है, तो यहाँ पे आर्टिस्ट लोग ऐसा बना देता। अच्छा अच्छा वाला
तो गाइस मैं फाइनली पहुंच गया रायनिक। ये ही इधर का रॉक लो का हैपनिंग प्लेस जिनको बोल दिए रायनिक। सो यहाँ पे आपको ऐसे ट्रेडिशनल हाउस, ऐसे सिनेरियो ऐसे दिखने को मिलता है। यस गाइस, तो फाइनली हम पहुंच गए पोजडन। तो ये जो सुबह वाला स्टेशन है जहाँ से हम जर्नी स्टार्ट किया था रॉक लो के लिए, अभी वापस आ गया पोजडन। तो ये इसको बोलते हैं पोजडन ग्लूनी, जहाँ पे आपको ये रेल स्टेशन तो है ही है ये पोजडन टाउन का, और साथों साथ में फ्लिक्स बस का स्टेशन भी है। वो फ्लिक्स बस के बारे में मैंने पहले बता दिया है आपको, जहाँ पे आपको बसेस मिलते हैं। अगर आप बस में जाना चाहते हैं तो फ्लिक्स बस में आप ट्रैवल कीजिए, नहीं तो ट्रेन में आप इधर कोई भी पोलैंड का पीके पे आईसी ट्रेन कोई भी में ट्रैवल कर सकते हैं। और गाइस ये है पोजडन ग्लूनी। तो अब हम यहाँ पे पहुँच गए पोजडन ग्लूनी में। तो पोजडन ग्लूनी से अब जाएंगे हम लोग लोकल बस स्टेशन जिसको बोलते हैं रंदो रताया। तो यहाँ पे कुछ ही देर में ट्राम से जाना पड़ेगा, और वहाँ से हम रंदो रताया से हम जाएंगे एक बस में, जो जहाँ पे हम पहुँच जाएंगे पोजडन गढ़ की, जहाँ पे मेरा कंपनी एकोमोडेशन है। सो गाइस होप यू एंजॉय दिस ब्लॉग।